हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और घर परिवार में सब अच्छे हैं? हमारे भी अच्छे हैं। और आज तो हम ना पता क्या करने वाले हैं? क्यों बताएं? अगर हमने बता दिया अभी तो आप हमारी वीडियो देखोगे नहीं, ऐसे 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 स्किप कर दोगे। फ्रेंड, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करो हमारी वीडियो को। देखो, मेरी आंखों में ना नजर लग गई। देखो, ये जो है ना, दिखने में तो ये तो सी है, कुछ दिख भी नहीं रही है, लेकिन ये 7 महीने की बीमारी है, 7 महीने की। फ्रेंड, क्या आपको मेरी आंख में फर्क दिख रहा है उस दवाई से? मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये ऐसे कैसे ही है। देखो, यहाँ पे बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई है इन लोगों की। अभी क्या करें? ये पूजा ने घिसरा दिया। पूजा चोट लग जाएगी, पूजा चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। फ्रेंड, पूजा 5 बेर लेके आई है, उसको ये नहीं था कि हाँ 1 किलो बेर ले आऊं। ये देखियो बहुत अच्छा है। करता रहता हूं मैं बस तेरी ही बातें, अक्सर याद आती है अपनी मुलाकातें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया और हमारी मतलब गाड़ी भी नहीं आई है। एक ही सिलेंडर था, वो किसी को मतलब जान पहचान थी, उनको जरूरत थी तो उनको दे दिया था। अभी हम लोगों को चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है खाना। तो मम्मी ने जो है आटा तैयार कर दिया है रात का, इतना सा आटा बनता है, ज्यादा नहीं बनता, दो दो रोटी खाते हैं। और आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं उधर। तो क्या खा रहे रे? ये देखो, ये हम ना बड़े कूद कूद के ऐसे ऐसे करके खा रहे हैं छोटे बच्चों के अंदर। होना सोना दिखाती हूँ आपको अभी। सोना, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। हाँ, निकल गई। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, खा के दिखाती हूँ, इसके अंदर मैं सोना खाती हूँ आजकल। देखो, इतना सारा सोना है मेरे पास, ऐसा ऐसा। और वो रोज खाती हूँ, सुबह शाम उठते बैठते। देखो, दाढ़ खराब हो जाएगी प्रियंका। देख कर खा लो। फ्रेंड, मेरा सूट जो है ये सिल के आ गया, ब्लैक कलर का सूट सिलवाया है। और उस दिन वो पार्सल आए थे ना, मैंने दिखाए नहीं थे, मैं बता रही थी उसमें ये सूट था। तो ये सिलवा के, ये सूट जो है मैंने सिलवाया है ब्लैक कलर का, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था ये तो। और ये सलवार है 3 मीटर की, ये मैं कल या परसों पहनूंगी, आपको दिख ही जाएगा। ये सूट जो है मैंने बाहर से सिलवाया है, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सूट सिलने आते हैं, लेकिन क्या करूं फ्रेंड, मेरे को आजकल टाइम नहीं लगता। आप भी समझदार हो, कुछ तबीयत खराब हो गई थी तो मेरी ये लात काम नहीं कर रही थी। और कुछ मम्मी को भी फिर प्रॉब्लम होती रहती है तो मैं जाती रहती हूँ डॉक्टर के पास। अभी मैं खुद से सिलूंगी ये वाला, ये भी आया था उसके अंदर सूट। मेरे को ना ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है, एक लाइट पिंक। ये जो है ये भी मैं सिलूंगी, इसको मैं खुद सिलूंगी, वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा जब मैं सिलूंगी, लेकिन कल या परसों सिलूंगी मैं इसको। देखो, अच्छा लगेगा ना? हाँ, ब्लैक कलर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सारे सूट सिल लेती हूँ, बस ये है कि मेरे को आज बाहर से सिलवाने पड़ रहे हैं, खुद नहीं सिल रही हूँ। अभी मैं खुद सिला करूंगी मेरे सूट। और शुक्रिया, आपके सभी सूट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, ये ना सोचियो कि मेरे को पसंद नहीं आते, बस टाइम की वजह से मैं सिल नहीं पाती हूँ इतने सारे सूट। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मेरे को आपके सूट पसंद ना आए ना। मम्मी, कितने अच्छे सूट है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। और क्या करे, वो गुजराती मेरे को नहीं आती। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे को गुजराती नहीं आती है। पूछ रखा था ना आपने कि गुजराती आती है नहीं आती, मेरे को गुजराती नहीं आती, मेरे को तो अंग्रेजी भी नहीं आती, अंग्रेजों वाली, बस ये पढ़नी पुढ़नी तो आ जाती है। चलो ठीक है जी, शुक्रिया जी, चलिए आगे करते हैं कुछ। अब फ्रेंड, गली में जो अंधेरा हो चुका है, और ये देखो कैसे पूंछ लड़ा रहा है। देखो, हेलो, कैसे हो? गली में बिल्कुल अंधेरा है। मैं ये देखो फोन मोबाइल से साके लेके आई हूँ, और मैं जा रही हूँ इधर, मम्मी यहाँ पे खाना बना रही होगी अंधेरे में। वो रही, देखो मम्मी वहां पे खाना बना रही है। मम्मी,
मम्मी जी मंजीत अगर ना किसी को सिलेंडर देता तो आज अपने घर पे ही बना रहे होते ना खाना उधर। ये भी तो घर है, ये भी घर है, लेकिन अभी अंधेरे में यहाँ पे देखो कितना परेशान होना पड़ रहा है। अंधेरा नहीं है यार। अच्छा, लट्टू जल रहा है, ये एक लट्टू घर का इधर, और मम्मी को बिल्कुल भी वो परेशानी नहीं है इधर खाना बनाने में। मम्मी खुश है, देख सकते हैं आप मेरी मम्मी की स्माइल, और दूसरों के काम साथ दे रहा है। ये सब कुछ पता क्यों हो रहा है? मंजीत की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। उसने पता नहीं किसको सिलेंडर दे दिया अपने दोस्त को। देखो बेवकूफी नहीं है उनके काम, मतलब उनको जरूरत थी तो इस वजह से दे दिया है, लेकिन अभी मम्मी को तो तंग होना पड़ रहा है ना। नहीं, और रात को भी हम तो चाय पीते हैं, 10-11 बजे सोते हुए भी चाय पीते हैं। लोग तो उठते हैं लेकिन हम सोते हुए भी चाय पीते हैं, तो अभी आज तो चाय नहीं पीनी फिर, है ना मम्मा? बना लेंगे यही रात को 11 बजे। हाँ, 11 बजे इतनी दूर से हो गया आप चल के इधर चाय बनाने के लिए? दूर ही है। ये नया कमरा देखो कितना चमक रहा है, सफाइयां कर रही थी, मेरी आवाज आ रही है मेरे को देखो। ये दादाजी आए हुए थे, उनके लिए ये हुक्का रखा था इधर। हमारे हरियाणा में ना बूढ़े बुजुर्ग जो आते हैं ना तो ये हुक्का वही पीते हैं, तो पीते हैं आजकल के जो लड़के हैं वो भी पीते हैं। हम लोग तो ना, मेरी भी फोटो देखी होगी आपने, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने हुक्के के साथ। हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही फोटो ले लेते हैं हुक्के के साथ और वीडियो बना लेते हैं, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये हमारे घर में कोई पीता है। दादाजी आ जाते उस दिन ही जलाते हैं इसको बस। ये तो आगे जल गई है ना, वो कित गया मंजीत, उससे काम करवाऊंगी मैं अभी, देखना। फ्रेंड इसके अंदर ना गर्म पानी चढ़ा रखा है क्या ना, अभी गर्म पानी हो जाएगा तो हम लोग ना नहा लेंगे, आज तो नहाए भी नहीं, तो इसीलिए हमने ये पानी रख रखा है। दिन में तो हम नहाए नहीं, टाइम भी नहीं मिला था, और अभी बस नहा के सोएंगे। ये चीजें किस किस के साथ होती है ये बताना। आज सिलेंडर खत्म हो गया है, भरवाया भी नहीं, फिर कल भरवाएंगे। आज आए नहीं वो सिलेंडर वाली गाड़ी, और कल आएगी वो गाड़ी। और पता है क्या है, आज तो हम कुछ नया ही बनाने वाले हैं। अब फ्रेंड वैसे तो देखो अंधेरा हो रहा है, मेरी फोटो आपको साफ क्लियर नहीं दिख रही होगी। इसके अंदर शायद ये देख के गए हैं, ये पिज्जा है शायद इसके अंदर, पता नहीं किसने ऑर्डर किया है, किसने ऑर्डर किया है? मेरे बुरवाला की दुकानदार का नंबर ले रहे हो तुम, इतना ध्यान से देखते हो मेरी वीडियो, लाइक लूज करते करो ज्यादा ज्यादा। मम्मी ये किसी ने पिज्जा भेजा है। अच्छा, खा लिया? चलो ठीक है, देखो फ्रेंड शायद ना इनको पता चल गया कि इनको बहुत मुश्किल हो रही है रोटी बनानी। वो ले ले मंजीत, क्लियर नहीं आ रही होगी वीडियो, फोन की लाइट जगा ले, उसकी भी चसा ले, दोनों ले ले। यू के है भाई, चटनी है है, ये तो दो है मंजीत, यू के है के है यो फ्रेंड। इसका मन पता कौन पापड़ सगा क्या का पापड़ है यो, मैंने बता भी दिया के है यो। है तो अच्छा, आलू पर रखा है मंजीत ने। अभी दूसरे में भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, इसके अंदर भी यही है फ्रेंड पापड़ सा। इसके अंदर ना मैंने एक निवाला चख के देखा है, इसके अंदर ना आलू भरे हुए हैं, और आलू आपको पता ही मेरे जब ये दिक्कत हुई थी ना पैरालिसिस की, तो उसके बाद ना आलू और चावल ये चीजें मेरी ना बंद है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो ये तो मैं अभी नहीं खाऊंगी। मम्मी और मंजीत और पूजा चट कर देंगी, फैमिली खुश, परमात्मा की दया से फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, पूरा खा जाती है। फ्रेंड इसको तो हम बाद में खाएंगे, बाद में देखेंगे उधर जाके, मतलब चांदना में यहाँ अंधेरा हो रहा है, वहां जाके खाएंगे इसको। अभी मैं रख देती हूँ, फिलहाल मैं ये रोटियों का देख लेती हूँ क्या हाल है इनका आज। मम्मी ये तो पतली पतली है, मोटी मोटी आन दे, पूरी मोटी मोटी ठीक है। नया कुछ बनाएंगे तो मोटी मोटी रोटी चाहिएगी, चूल्हे की रोटी ना जमा गरम गरम डबल रोटी जैसी लग गए, और इतनी अच्छी लगती है ठंडी भी, सवेरे भी खाऊंगी मैं इन रोटियों को। देखियो आप पत्ती करके सवेरे खा के रोटी, और मेरे को कहीं जाना है उधर जाऊंगी, राजू के घर जाना है उधर जाऊंगी। फ्रेंड ये जो मोटी मोटी रोटी सीखेगी ना उनके साथ ना मेरे को तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा करनी है, बहुत मेहनत करनी है, और फिर आप देखना मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। आज कुछ नया ही होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, देखना ज्यादा ज्यादा लाइक करा करो।
तो मैं अभी स्टार्ट होगी। देखो आपको कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसे तोड़नी है रोटी, जो मैं एक जान करनी है रोटी की ऐसे तोड़ तोड़ के, आपको पता चली जाएगा क्या है क्या नहीं। ले ओ फ्रेंड, ये देखो पापा की दया तो देसी घी हम भी खान लग रहा मम्मी रोटी बनाने लग रही है, यानी नुआ को स्टील बाडी बन रही मारी इसी कल का बन रही है, क्योंकि मम्मी यार घी खावा एक रात में और लोग कब मैंने मोटी होगी भाई हो गए मोटे, हमको ये पापड़ पुपड़ वगैरह तो खाते नहीं है, देसी खाना खावा माल खावा माल खा के देखियो तो अभी देखो इसके अंदर डाल दिया मैंने घी, आ जाइए आप भी खा लीजिए बड़ा टेस्टी है घी, खा के देखियो कभी गाँव का देसी घी। Close till I get up, time is barely our side. दोस्तों नमाज का टाइम हो रहा है तभी तक यही बोल रहा है अल्लाह बोल रहा है, जब ये बोल रहा है ना देखो नमाज पढ़ रहा है तो यहाँ के इतने बोले लोग है पता क्या कहेंगे अल्लाह बोल गया, परमात्मा ने याद करने लग रहे हैं कुछ भाई, कुछ मेरे पर गए ना चाउमीन खान लग रहे हो रेडी अब खड़े। दोस्तों देख लो जमा अट्टे की तरिया बसल दिया गुन दिया, देख लो दिख को रहा होगा ना मंजीत, नेड़ा लिया का दिखा नेड़ा लिया फोन में देख लो। फ्रेंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसी बहाने ये चूरी जो बना रही हूँ इसी पे एक गाना सुना देती हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था वो गाना तो मैं आज सुना देती हूँ आपको पंजाबी सॉन्ग है, ध्यान लगा के सुनियो है, चलो अगर गलती सलती हो जाए तो माफ मूफ कर दियो, मैंने इतनी बढ़िया सिंगिंग नहीं आती करनी और ना ही मैं शौक रखती हूँ सिंगिंग का। फ्रेंड अभी मम्मी कूटने लगी है गुड़, क्योंकि गुड़ गेरना है मेरे को, शक्कर नहीं गेरनी है, शक्कर है भी नहीं मेरे घर में, गुड़ पड़ा था तो गुड़ डालेंगे अभी, और ये जो है मैंने चूरमा तैयार कर दिया है अभी मम्मी डाल रही है गुड़, और देखिए अभी मीठा हो जाएगा थोड़ा सा। फ्रेंड अभी इसको मैंने जमा अच्छी तरह गूंद दिया, देख नेड़ा लेके दिखा मुझे ये देखो देख ही सकते हो आप चूरी। फ्रेंड ये हो गया मंजीत का दूध ठंडा गला स्वाद लगेगा, ठंडा दूध गला अच्छा लगेगा, मैं तो निकड़ में तो ये तैयार हो गया, अभी दूध गर्म करने हैं और उधर जाके खाएंगे फिर, वैसे मैं बना के रख देती हूँ ये, मैं तो रोटी खाऊंगी गाइस, मैंने तो भूख रोटी की ला। फ्रेंड मेरा ऐसा का मैंने खा लिया, ये मम्मी का और मंजीत का पड़ा है और पूजा भी खान लग रही है, कोई दूध दाद का इंतजार होगा 7 बजे हंस के 7:30 पहले दूध ले उठता फिर गर्म करो फिर खाओ, इतना तो अच्छा सीधा चक्की और गली तो इसलिए हमने खा लिया, ये मंजीत और मम्मी बाद में खा लेंगे, बिल्कुल इंतजार नहीं होता इसी। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है लाइक लूक कर दो